सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने शुरू की क्रिश के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए वो ये था कि मैं जानबूझ के डायलॉग्स याद करके नहीं आता था, बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू फील लाइक वो सोचते सोचते बात कर रहा है. एंड आई होप आई बीन एबल टू पुल दैट ऑफ, बिकॉज इट एड्स अ लिटिल बिट ऑफ मम्बलिंग जम्बलिंग फम्बलिंग बिट टू क्रिश, जो विच मेक्स इट सीम लाइक कि वो जेन्युइनली अनन्या से बात ऐसे करता है. इट्स नॉट कि वो सोच समझ के कैलकुलेट करके बात कर रहा है. सो आई ट्राई टू डू दी स्मॉल थिंग्स विच आई होप पीपल कैच ऑन टू. देखिए जब मैंने इशक ज़ादे की थी तब आई इट वॉज मच ईजियर फॉर मी टू ब्लेंड विद द क्राउड. तब जब घूम फिर सकता था तो जो मेरे ड्राइवर थे पिक्चर में जो मुझे घुमा रहे थे वो 90 दिन जब लखनऊ में था, मैंने उनके साथ तभी बहुत समय बिताया था. तो एक्चुअली आई कॉपीड हिज बॉडी लैंग्वेज कम्प्लीटली. वो जो फैल के जो बैठता हूँ और जो बात करता हूँ कुछ नहीं होता देख लेंगे हो जाएगा, तो वो मैं उससे सीखा था. और छोटे शहरों में या जो मिडिल इंडिया है उन शहरों में पीपल आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट दे आर. एक सर्टन दे आर सेल्फ मेड पीपल. सिटीज में कभी कभी यू नो यू सी इट इज़ नॉट द सेम. छोटे शहरों में वो जो भी है अपने बलबूते पे एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ दैट. तो वो आपसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे लेकिन सीना हमेशा चौड़ा रहेगा. तो मैंने ये चीज़ें पिकअप की थी जब मैं वहाँ वहाँ था इतने दिनों. अब जब जाता हूँ तो इतना मौका नहीं मिलता लोगों से इंटरेक्ट करने का, जो कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता. बट इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. एक से मिलो तो 50, 100, 150 लोग आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है. बट डेफिनेटली वन थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी इज उनको मेरा काम पसंद आ रहा है. और माहौल तो अभी भी सेम है. 2 साल पहले इसके साथ की थी तो लोगों का व्यवहार अभी भी सिमिलर ही है. दे आर ऑब्वियसली नाउ दे गेट लिटिल मोर एक्साइटेड टू सी मी. जहाँ तक 2 स्टेट्स की बात करें, जो रिएक्शन मुझे मिला है, जब तक ट्रेलर आए थे मैं सिर्फ आगरा में था, तो वहाँ पे ऑब्वियसली देवर वेरी एक्साइटेड अबाउट सीइंग मी इन अ डिफरेंट अवतार. जैसे सब लोग कह रहे हैं कि इस बार आपने बंदूक नहीं पकड़ी, तो मुझे अच्छा लगा ये देख के कि लोग ये नोटिस करते हैं कि आप अलग किरदार निभा रहे हो, क्लीन शेवन हो इसमें, आपने चश्मे पहने हैं, कॉलेज को गोइंग बच्चे हो. और अच्छा लगा. एंड द यूथ ओवर देयर वाज देयर द आगरा इन आगरा जिस होटल में रह रहे थे वहाँ पे हमेशा बच्चे आके बोलते थे दे वॉन्ट टू टेक फोटोज. भी पहले बच्चे नहीं आके फोटो लेते थे, पहले बच्चे डर जाते थे मेरी दाढ़ी देख के. तो अच्छा लगा. I learn from everyone as much as possible, and obviously the fact that they have this experience makes them even better. I think they know how to use their experience. हमें कभी कभी क्या कोशिश करनी पड़ती है ताकि we can be so comfortable and relaxed in front of the camera. They are very much at ease. Individually अगर बात करूँ, अमृता जी के साथ मैं पहली पिक्चर कर चुका हूँ एक औरंगजेब में, वो विलन थी. इस बार मेरी माँ है, काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ. पर बहुत ही उम्दा कलाकार है वो, खुद नहीं जानती वो कितनी अच्छी है. मज़ेदार चीज़ वो है, अभी भी शी इज़ लाइक अ चाइल्ड. यार कैसे होगा, कैसे करूँगी, अभिषेक मुझे बता दे कैसे करना है, अच्छा ऐसे करूँ, ओहो ओहो चलो चलो कोशिश करते. एंड देन सडनली द कैमरा यूज़ टू स्विच ऑन एंड शी यूज़ टू जस्ट नेल इट इन 1-1 टेक 2-2 टेक खत्म, लंबे लंबे सीन. एंड हर कॉमेडी टाइमिंग इज फैंटास्टिक एंड शी इज़ गॉट दिस एनर्जी एंड शी इज़ गॉट दिस स्पंक एंड हर फेस इमोट्स सो वेल. देखिए फिल्म बनाते हुए ये प्रेशर फील नहीं होता, बिकॉज हम तो वी गो टू डू दैट सीन दैट डे, उस दिन को ठीक से करने के लिए. प्रेशर मुझे फील तब हुआ जब द ट्रेलर गॉट 6 मिलियन हिट्स. तब रियलाइज़ हुआ ये बड़ी बड़ी पिक्चरों के साथ नहीं हुआ. दैट मीन्स कि वर्ल्ड वाइड चेतन वर्क हैज़ बिन अप्रिशिएटेड फॉर ईयर्स. ही इज़ गॉट अ कल्ट फैन फॉलोइंग ऑफ हिज रीडर्स. बट नाउ द वर्क इज डन, सो प्रेशर मीन्स नाउ तो अब जो है वो सबने देख लिया है, एक झलक मिल गई है कि इस दुनिया की पिक्चर है. और रिस्पॉन्स पॉजिटिव की तरफ ही आ रहा है. मतलब हमको वैसे ही कोई आके बोले ये ही नहीं बोलेगा कि आपकी पिक्चर बहुत ख़राब लग रही है, हमने देखने वाले. बट एक माहौल जो बना है ऐसा लग रहा है कि लोग आएंगे देखने पिक्चर. तो आई होप द वंस हु रेड इट इन्जॉय व्हाट वी हैव डन टू इट. एंड काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी, तो हम दुआ वो भी करें कि उनको भी उतनी पसंद आए जितनी रीडर्स को पसंद आएगी.